घटना अरौल से थोड़ा पाछे हुआ। 10 आदमी थे, इसमें से 4 आदमी घायल है। गोल लगातनी समाचार बटू अरवल से रिपोर्टर बानी विश्वनाथ कुमार जी। खबर के हेडलाइन सुनिए। अनियंत्रित होके ऑटो पलटे से 4 जना बुरी तरह जख्मी, 1 जना के गए जीव, 2 जना पटना PMCH रेफर। खबर का बटुए विस्तार से जानिए। अरवल सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोदानी कॉलेज मोड़ के नजदीक NH 110 पे अनियंत्रित होके ऑटो पलटे से आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। ओजे मुख्य रूप से 4 लोग बुरी तरह जख्मी बाड़न, जिनका के आसपास के ग्रामीण के सहयोग से इलाज खातिर सदर अस्पताल में भर्ती करावल गई बा। मिलल जानकारी के अनुसार सब लोग एक ही परिवार के बतावल जा रहा बाड़न, जौन में हंदिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जयपुर गांव के रहे वाला हवन, जिनकर पहचान विजेंद्र तिवारी 50 वर्ष, उनकर छोट भाई 45 वर्षीय जितेंद्र तिवारी, उनकर 40 वर्षीय पत्नी बिजानती देवी, 8 वर्षीय अक्षय कुमार के अलावा 4 और रिश्तेदार के साथ विजेंद्र तिवारी अपना बहिन के यहाँ जात रहा। जिला के जमालपुर गांव में जाए के क्रम, श्राद्ध क्रम में जाए के खातिर ही लोग जात रहे। एकरा बाद पुणे से लौटे के दरमियान अरवल में तरह घटना भई, जेकर इलाज के दौरान सदर अस्पताल में ही विजेंद्र तिवारी के जीव चल गई। वही जितेंद्र तिवारी एनकर मेहरारू विजयंती देवी के बेहतर इलाज खातिर चिकित्सक के द्वारा पटना PMCH रेफर कर दिहल गई। आसपास के ग्रामीण बतावत रहन की घटना के बाद ड्राइवर अपन ऑटो लेकर फरार हो गए। फिलहाल परिजन के द्वारा लापरवाह ऑटो ड्राइवर के खिलाफ सदर थाना में आवेदन दिहल गई बा, जहाँ सदर थाना के पुलिस मामला के जाँच में जुटल भी है। मुअल देह के कब्जा में लेके पोस्टमार्टम करावल जा रहा बा। बता दी कि सब लोग श्राद्ध कर्म में शामिल होके पुनः अपना घरे वापस लौटत रहे लोग, यही दरमियान यही घटना घटित हो गई बा। स्थानीय मुखिया का कहतरन भोजपुरिया समाचार बयान सुनाई, या साथे साथे परिजन के भी बयान सुनाई, लेकिन रौरा दर्शक लोग से निहोरा बा कि अगर अरवल के खबर पावे के बा तो अभी ये चैनल के सब्सक्राइब कर ली, लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई खबर कैसा लागल, अधिक से शेयर करी, ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरी या भोजपुरिया समाचार के धमक पहुँचत रहे। तो एक बार फिर से अनियंत्रित ऑटो पलट गई, रफ्तार के कहर दिखल, जना में 1 जना के जीव गई, कई जना अस्पताल में बने भर्ती। बयान सुनी से घटना हुआ, जैसे उनको बच्चे आगे बैठे हुए थे और वही बच्चे अपना स्टेरिंग पे हाथ या पैर से मार दिए, तो एक पे एक स्टेरिंग घूम गया। कहाँ से आ रहे हैं? अब हम लोग आ रहे थे सुल्तानपुर से, जाना था अरवल तक। कहाँ जा रहे थे? अरवल जा रहे थे। घटना कहाँ हुई? हाँ, घटना अरवल से थोड़ा पाछे हुआ। कितना लोग कैंपों पे थे? 10 आदमी थे। सबके सब घायल? हाँ, इसमें से 4 आदमी घायल है। आए डॉक्टर क्या बताएं? डॉक्टर यहाँ से बताएं कि एक आदमी को ट्रांसफ़र करिए यहाँ से पटना। नाम क्या? हमारा नाम वकील मिश्रा पड़ेगा। घर हमारा धोबड़ी पड़ेगा। ये जयपुर पंचायत के हैं विजेंद्र तिवारी, जीतू तिवारी, अपने बहन के यहाँ श्राद्ध में गए थे सुल्तानपुर, और श्राद्ध करके वहाँ से लौट रहे थे। लौटने के दरमियान अरवल में 9 नंबर पुल के पास टेम्पो एक्सीडेंट किया, जिसमें ये लोग पूरी तरह से घायल हैं। इसमें 4 लोग जयपुर के थे, एक ड्राइवर था और एक पाली के पास में इदिलपुर है वहाँ के भी 2 व्यक्ति थे, जिसमें 2 घायल हैं, पूरी तरह से नहीं हैं, लेकिन उनका कम है, इलाज करके वो लोग चले गए, और 4 लोग काफ़ी रूप से गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें सदर हॉस्पिटल अरवल में डॉक्टर के आदेशानुसार रेफर कर दिया गया है। 2 व्यक्ति को पटना जाने, चारों व्यक्ति को पटना का मतलब जाने का रेफर कर दिया गया है डॉक्टर के। मेरा नाम राजदेव पासवान हुआ, स्थानीय मुखिया जयपुर पंचायत के हैं।